नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता और हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है महेंद्रगढ़ और मेरे पीछे आप राजा महेंद्र सिंह का किला महेंद्रगढ़ किले को देख रहे हैं। वैसे तो इसको एक 5-स्टार होटल बनाया जाना था अभी तक, लेकिन उस दिशा में कोई काम आगे हुआ नहीं है और इसकी जो स्थिति है वो पूरी टूटी हुई सी जर्जर अवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसको कितना सुंदर बनाया जा सकता था, इस धरोहर को किस तरीके से संजो के रखा जा सकता था, उसको लेके तमाम तरीके के दावे तो अक्सर हुए, बातें तो अक्सर हुई, लेकिन ग्राउंड जीरो से काम नहीं हुआ। अब बात महेंद्रगढ़ की हो तो महेंद्रगढ़ में इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, महेंद्रगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं और जो राव दान सिंह कांग्रेस के विधायक यहाँ से हैं, क्या फिर से उनको मौका दिया जाएगा एक बार विधानसभा पहुँचने का, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में महेंद्रगढ़ से तो हार गए थे, ओवरऑल चुनाव भी हार गए थे, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में राहें कितनी आसान होंगी, कितनी मुश्किल, क्या 5वीं बार विधायक बनने का मौका देगी महेंद्रगढ़ की जनता या फिर इसकी उलट तस्वीर देखने को मिलेगी, तमाम चीजों को लेके होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। विधानसभा चुनाव के दंगल में हर राजनीतिक दल की एक मंजिल है, चंडीगढ़ का सफर आखिर कैसे तय करें। इन्हीं में से एक रास्ता दक्षिण हरियाणा की रहीरवाल बेल्ट से होकर गुजरता है। एक या दो नहीं, लगभग 20 विधानसभा सीटें रहीरवाल बेल्ट में आती हैं। महेंद्रगढ़ उन्हीं में से एक है। कानोट ब्राह्मणों से पटियाला शासक महाराज नरेंद्र सिंह तक की रियासत रहे महेंद्रगढ़ में आज भी इतिहास की अनूठी छाप है। हरियाणा के गठन के बाद विधायक की कुर्सी के अक्सर दो ही दावेदार रहे, बीजेपी और कांग्रेस। 3 दशक से तो कांग्रेस के रावदान सिंह और बीजेपी के रामविलास शर्मा के बीच मुकाबला है। ब्राह्मण समाज का सम्मान, मोदी लहर और रामपुरा हाउस के समर्थन से 2014 में भले ही रामविलास शर्मा कमल खिलाने में सफल रहे, लेकिन ज्यादातर अहीर समाज का हाथ थाम कर रावदान सिंह चंडीगढ़ पहुंचे। विकास की रफ्तार में पीछे छूटा दक्षिण हरियाणा जाट राजनीति का शिकार रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। गिरता भूजल स्तर और सूखी नहरें आज भी कई गाँव के किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार हर घर नल से जल का दावा करती है, लेकिन कई गांव की महिलाएं आज भी कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। कई गांव में आज भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खस्ता हाल है। 112 करोड़ रुपए की लागत से नागरिक अस्पताल का कायाकल्प तो हो रहा है, चुनाव से पहले जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा इसकी उम्मीद कम है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से गाँव खुड़ाना में IMT का शिलान्यास हुआ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। अलवर महेंद्रगढ़ दादरी रेलवे लाइन की कई बार मांग उठी, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी। प्रत्याशियों के विकास के दावे हों या विपक्ष की बयानबाजी, जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली है और अब सीधे ग्राउंड जीरो से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, हरियाणा न्यूज़ की इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें महेंद्रगढ़ के अलग अलग जगह पर हम जाएंगे और क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, क्या कुछ परेशानियां हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों के दिल में अभी से ही क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जिनको लेकर वो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे, तमाम चीज़ों की होगी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर, हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर। तो हम बालाजी चौक पर हैं इस वक्त महेंद्रगढ़ के और मैं यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये सीवर है और ये पूरी तरीके से जाम है। जब बारिश आती है तो पूरे इस बालाजी चौक में, आप देखिए हम चौराहे में खड़े हैं और चारों तरफ जितनी भी रास्ते जा रहे हैं उन तमाम रास्तों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और घुटनों तक पानी हो जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और इसी सीवर से वो पानी बैक मारता है और पूरे आसपास के जो एरियाज हैं उसमें गंदा पानी सीवर का भर जाता है बारिश के मौसम में। एक और दिलचस्प बात जो परेशानी है लोगों की, लेकिन ये सड़क आप देखिए किस तरीके से काम होता है और ये सड़क बनी थी 2022 में। हालाँकि इस पैच तक तो आपको ठीक लगेगी, लेकिन आप आगे जब नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि किस हद तक ये सड़क टूटी हुई है और कितनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को हो रही होंगी। महज 2 साल ही हुए इस सड़क को बने हुए, लेकिन 2 साल में ही कितनी जर्जर हालत इसकी हो गई है, कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को होती होगी। और आप देखिए, काम होते हैं, फंड्स आते हैं, पैसे लगते हैं, लेकिन वो फंड्स जब लगने के बाद महज कुछ ही समय में
वो काम पूरा खराब हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, तो लोग पूछते भी हैं और ये पूछना लाजमी भी है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो गया। जब इतने पैसे लगाकर एक सड़क को बनाया गया तो महज 2 साल के वक्त में कैसे वो टूट सकती है, ये भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल और एक परेशानी है। तो हम जो सड़क की बात कर रहे थे, अब हम आगे आ चुके हैं और अब आपको मैं यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूँगी जिस जगह की मैं बात कर रही थी कि यहाँ से पूरी टूटी हुई है। आप देखिए यहाँ से लेकर आगे तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये पूरी सड़क टूटी हुई है और महज 2 साल ही हुए थे इसको बने हुए, लेकिन आज किस हालत में है ये आपके सामने हरियाणा न्यूज़ के कैमरों पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे, यहाँ पे एक शख्स हैं। राम राम ताऊ, ये सड़क कब से ऐसी है? ये तो बहुत दिन से ऐसी ही है। बहुत दिन से ऐसी ही है, तो अभी 2 साल पहले ही बनाई गई थी? हाँ, तो ये तो ऐसी है, कैसी बन गई थी, कैसी हो गई। अच्छा, गांव में काम वाम हुए? गांव में तो चल रहा है काम। चल रहा है काम? हाँ, काम चल रहा है। तो क्या लगता है सरकार किसकी आने जा रही है इस बार? नहीं, सरकार कोई भी आए। हाँ। काम तो ऐसे रहता है, कोई भी सरकार आ जाए। काम होता ही नहीं, मतलब ऐसे ही होता, देखो ना आपको, आपके सामने है इसको। तो राव दान सिंह 4 बार के विधायक हैं, काम वाम नहीं किए क्या? दान सिंह ने तो किया था, लेकिन दान सिंह को आने भी दिया देती है उसको? दान सिंह को तो आने नहीं दिया ना उसको। नहीं, दान सिंह विधायक तो है ना, सांसद नहीं बनने दिया, लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन विधायक तो है। हाँ, विधायक तो है। तो काम वाम किए बतौर विधायक? ना कांग्रेस ने काम करे, विधायक ने काम करे, ना पंडित जी ने काम करे। अब की बार बदलाव ने नई नई पीढ़ी को मतलब बदलाव। अच्छा, हाँ, मतलब पंडित जी मतलब रामबिला शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, रामबिला शर्मा की बात कर रहे हैं। ना रामबिला चावा, ना दान सिंह चावा, नयो युवक चावा, ताकि महेंद्रगढ़ विकास को देखो, रोड आर देखो, महेंद्रगढ़ पूरी डिस्ट्रिक्ट का रोड सारा बीच के देखो, कोई भी रोड, एक भी रोड बढ़िया हो तो 10 दिन रोड, 1 महीने रोड बना, नया से पर रोड टूटे बाबा खड़ा। तो अभी मतलब नया चेहरा ही चाहिए? नया चेहरा चाहिए, बीजेपी का नया चेहरा चाहिए, तो बीजेपी टिकट किसे नया चेहरा दे दो। हाँ, बीजेपी से खुश है? हाँ, बीजेपी खुश है, नया चेहरा, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया काम करेगी। क्या क्या काम है अच्छा जो लगता है बीजेपी का आपको? बीजेपी की देखो जी, लोग जो बाढ़ क्या जो निष्पक्ष लग गया, निष्पक्ष लग रहा है, जो बाढ़ आज देखने 15 लाख रुपया नहीं था दिन, आज उसको बाढ़ लग गया, वो ऊपर पहुंचगा। जब पैसे थे नहीं, गरीब मेरा वर्ग का बाढ़ करने, मेरे 2 बच्चे लगे थे, मगर पैसे लगे, बच्चे लगे बिना पैसों के, बिना पैसे लगे थे। तो फिर तो फैन होना लाजमी है, फैन होना चाहिए फैन। और महेंद्रगढ़ हम ये कह रहा था, महेंद्रगढ़ दोनों आने पर करके नया चेहरा टिकट दो बीजेपी के, वो बीजेपी का पार है। शर्मा जी को ना दें? ना ना, कोई शर्मा जी नहीं, अब की बात नहीं, नहीं। शर्मा जी तो इतने शर्मा जी तो देश को बैठो बैठा दियो महेंद्र को। अच्छा, हाँ, 40 साल 45 साल कुछ काम करे उसे शर्मा जी, देख लो। तो देखिए, शर्मा जी के लिए खतरे की घंटी है, कह रहे हैं काम वाम किया हो तो बताइए क्या लग। पानी भरता है यहाँ सारा रोड, जो है बने को नहीं उससे पहले फूट जाता है, देखो क्या हाल हो रहा है। देखिए, 2 साल पहले ही बना था ना? 2 साल पहले ही बना था और देख लो, 6 महीने भी नहीं चला, 6 महीने में फूट फाट गया। अच्छा, तो अभी क्या लगता है विधानसभा के चुनावों में लोग क्या फैसला करेंगे? वो तो लोग जाने क्या फैसला करेंगे। तो आप राव दान सिंह के काम से खुश हैं? लगता है राव दान सिंह ने बढ़िया काम किए? कहाँ, 1 साल यहाँ दान सिंह ही था यहाँ विधायक, क्या काम किया बताओ। ठीक है, कह रहे हैं आप हाल देख लो क्या है और क्या हो गया है। रावदान सिंह ही तो विधायक थे, क्या किया उन्होंने, वो तो सबके सामने ही है। सड़क बनती बाद में टूट पहले जाती है, उस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा का जो चुनाव है इसमें मुद्दे हरियाणा के होते हैं, इसमें लोकल तमाम अलग अलग हलकों के मुद्दे हैं और लोग अपने हलकों के मुद्दों के साथ चुनाव में जाते हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? हर आदमी तंग आ गया जी बीजेपी। तो ये विधायक आपके कांग्रेस के हैं, सड़क वड़क तो ठीक करवा नहीं पा रहे हैं? तो ऊपर तो सेंटर में तो है ना मोदी की सरकार। अच्छा, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही है। हाँ जी। अभी आपके जो विधायक है राहुल दान सिंह, ईडी के रेडार पे चल रहे हैं, लगता है ईडी छोड़ देगी? उनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे भी कर लेंगे, आपसे कर रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस है, ईडी से डर तो नहीं है ना जी? भाई वो बोल रहे भाई, हंसने लगे ईडी का नाम सुनते ही, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आने जा रही है हरियाणा में? मेरे विचार से तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्यों? काम तो करवाए नहीं, खास नहीं करवाए। किसने काम नहीं कराया? कांग्रेस तो एक गुंडापन है। हाँ,
बदमाशपना करते, बदमाशी है। अच्छा, कांग्रेस वाले गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन बदमाश नेता है कांग्रेस का? बिल्कुल जो वर्कर है वो करते हैं, वर्कर करते हैं, वर्कर बदमाशी करते हैं कांग्रेस वालों के। बीजेपी वालों के वर्कर ठीक है? बीजेपी वाले के तो आज तक बिल्कुल शांति है, नहीं कोई चोरी, कोई जैकेटी, कोई गुंडागर्दी, कोई नहीं। तो मतलब बढ़िया, हल्के में काम वाम हो चाहे ना हो, लेकिन वैसे शांति है। वैसे शांति, तो शांति चाहिए आप? बिल्कुल शांति चाहिए, चाहे काम हो चाहे ना हो, काम हो या ना हो। हाँ। पर बदमाशी बनवा नहीं, अब तो कोई भी ऐसी मतलब बदमाशी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की बदमाशी। बीजेपी वाले ठीक तो कर रहे हैं कांग्रेस वालों को, ईडी पीछे लगा दी है। देखो अब कैसे क्या करते क्या नहीं करते क्या बताए। ईडी का सुना है आपने? नहीं सर, ईडी वीडी का नहीं सुन रहा है। ईडी सीबीआई कहते हैं ना बीजेपी यूज कर रही है। नहीं नहीं, बीजेपी कहने, बीजेपी के वर्कर ना बड़े शांत हैं, और ये कांग्रेस वाले जो है ना वर्कर, ये बड़े शरारती हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी मत कीजिए भाई, लोग परेशान हो रहे हैं ग्राउंड पे। जी आप क्या बता रहे थे, किसकी सरकार लगता है इस बार आने वाली? जी सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए, कांग्रेस काम करती है। हाँ। और काम बढ़िया करती है। अभी से फिर क्या किया मजदूर आदमी, आपके काम तो करवा नहीं पा रहे। सरकार आए तो करे ना, कांग्रेस क्या करेगी? अच्छा, एक विधायक काम नहीं करा सकता है? हाँ जी, नहीं, काम कराने के लिए सरकार में जाना पड़ेगा। हाँ सरकार करती है, वहाँ परमिशन लेता कांग्रेस वाले जी नेता। अच्छा, लोग हाँ। और बीजेपी के जो नेता लगाते हो क्या करते हैं बताओ? मजदूर को मजदूरी भी नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। कहाँ है? कह रहे गरीबों के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम वैसे परेशान है, कुछ मौसम की झाल झेल ओट रहे हैं, वहाँ मजदूरी नहीं है, क्या करें गरीब आदमी क्या कहे? तो कांग्रेस क्या कर देगी, क्या लगता है? देखो कुछ सहायता जरूर करती है। अच्छा, हाँ सहायता मिलती है, दे रहे हैं गरीब लोगों को। जी हाँ, बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं, मिलते हैं, लेकिन वो निकाल लेते हैं उतना ही। हाँ खाते हैं, खिलाते हैं, रुला भी देते हैं। अच्छा, हाँ ये हकीकत है जी। कैसे रुलाते हैं? रो रहे हैं, मजदूरी नहीं है, क्या करें, कहाँ करें मजदूरी। महंगाई 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 तो जैसे कांग्रेस में भी थी जी, अभी बीजेपी में है, ये तो मार सभी को झेलनी पड़ती है जी, गरीब हो अमीर हो, लेकिन जो मजदूरी मिले तो महंगाई तो झेल तो ले, ये बात है जी, वाजिब बात है जी, इसलिए हम बोल रहे हैं जी। मतलब आपने पूछा, बोल दिया जी। नहीं नहीं बिल्कुल, हम पूछ रहे हैं, आप है गरीब आदमी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम ग्राउंड पे हैं। और बोलो आप, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया आपकी बात है जी। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आ रही है प्रदेश? कांग्रेस की आनी चाहिए जी। हाँ क्यों? महंगाई के चक्कर में जी, बीजेपी बहुत ज़्यादा महंगाई कर रही है। हाँ जी, कांग्रेस से आपको क्यों उम्मीद है, जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, आपको लगता है पूरे कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे जी, कर पाएंगे। कांग्रेस क्या कर देगी? कांग्रेस आनी चाहिए जी, मजदूर आदमी के लिए कांग्रेस बढ़िया है। आम आदमी पार्टी वाले भी बहुत सारे दावे और गारंटी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कोई मौका देंगे क्या? हाँ जी, बाकियों का तो पता ही नहीं, लेकिन कांग्रेस आनी चाहिए कह रहे हैं। और हालांकि अब बारिश शुरू हो गई है, तो हमें छाता लेना पड़ेगा, ताकि हम भी रिपोर्टिंग लगातार करते रहें और आप तक ये तमाम जो चुनाव की बारीकियां हैं ये पहुंचाते रहें। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आ रही है प्रदेश में? सरकार? हाँ सरकार तो फिर कांग्रेस की आएगी जी। कांग्रेस की आएगी? हाँ। क्यों? अब फिर सरकार में काम नहीं हुआ कुछ हरियाणा में, नहीं। 10 साल से बीजेपी सरकार है, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है? दावे ही हैं जी, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, मैंदरगढ़ में तो काम। अच्छा हाँ, तो मतलब विधायक की कमी है कि विधायक नहीं करवा पाए, या सरकार की कमी है कि सरकार ने किया नहीं? विधायक की कमी भी है जी, और सांसद की कमी भी है जी। अच्छा। और हमारे यहाँ नगर पालिका के प्रधान की भी कमी है कुछ। तो मतलब ये तो पूरा मिला जुला हो गया ना। हाँ। आपका जो विधायक है वो कांग्रेस का, सांसद हाँ। है जो बीजेपी की, नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी, सरकार बीजेपी। फिर भी काम नहीं हो रहा है जी महेंद्रगढ़ में, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। कसूरवार कौन है? सरकार ही है जी कसूरवार, सरकार पता नहीं, सरकार के जो कर्मचारी हैं वो काम ही नहीं करके देते। क्या लगता है आपको, कांग्रेस आप कह रहे हैं आएगी या सरकार बनाएगी तो क्या कर देगी? जिस हिसाब से अब की बार जो सांसद में जीते हैं कांग्रेस के, 5 जी तो जीते हैं, आप लोगों ने तो हरवा दिया ना भिवानी महेंद्रगढ़ से। भाई भिवानी यहाँ तो जी बीजेपी का ही गढ़ है, बीजेपी हम खुद बीजेपी के कट्टर हैं मतलब, लेकिन अब की बार बदलाव है अब की बार। क्यों इतना क्यों, अगर कट्टर हैं तो फिर कट्टर से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब की बार जी काम ही नहीं है कुछ, महेंद्र में काम ही नहीं हो रहा, क्या तो कोई नया एमएलए आएगा तो उसके उसको तरफ जाए। रामविलास शर्मा जी नहीं काम कर पा रहे हैं अब की बार, बहुत काम नहीं हो रहा, काम नहीं, नहीं काम हुआ ही नहीं है, काम होता तो हम धरने भी थोड़ी बैठते। चलिए शुक्रिया, तो कह रहे हैं जी काम हुआ ही नहीं है और बातें ही हुई हैं सिर्फ, काम ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, चाहे शर्मा जी रहे हों या फिर रावदान सिंह, नए चेहरे पर भी हम सोच सकते हैं कि अगर नया चेहरा आता है तो उसको मौका दें। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, सभी बात करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है? कौन सी सरकार है?
टूटे फूटे पड़े हैं, हर जगह भटके खाते हैं, हर जगह पे ऐसी हालात है, हर जगह ये हालात है पूरे मंदिरगढ़ की। तो विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, कुछ किसी का नहीं है। कह रहे जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, क्या लगता है आपको? यहाँ पर काम तो मैडम जी 1% भी नहीं है, बीजेपी सरकार थी तब भी नहीं था, अब बीजेपी सरकार है और कांग्रेस का विधायक है तो भी काम बिल्कुल जीरो है महेंद्रगढ़ में, विकास का कोई काम नहीं है यहाँ पे, रोड फूटे हुए हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, यहाँ रोज़ हड़ताल होती रहती हैं, कल परसों भी हड़ताल चल रही थी नगर पालिका की, तो काम बिल्कुल जीरो है। अब के सोच रहे हैं किसी और पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी, चाहे तो इंडियन नेशनल लोकदल या आप। इंडियन नेशनल लोकदल, मात्र एक विधायक पिछली बार जीत के विधानसभा पहुंचा, अभी क्या करेंगे, क्या लगता है कुछ? तो इन दोनों पार्टियों को छोड़ के वो किसी पार्टी को वोट देंगे, इतने परेशान है बीजेपी कांग्रेस से कि भाई इनको नहीं देंगे, अब चाहे किसी को भी दे दें, चाहे नोटा को दे, पर इनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? अच्छा काम कर रही है सरकार, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, किसानों को यहाँ से दवाइयाँ फर्टिलाइजर्स वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं, किसानों के लिए कितनी समस्याओं को सरकार दूर कर पाई है? समस्याएं तो काफ़ी होती हैं और सरकार की वैसे भरसक कोशिश भी है कि उनको पूरा किया जाए, क्योंकि पिछली 10 साल लगातार गवर्नमेंट रही कांग्रेस की, कभी भी MSP पे फसल नहीं खरीदी गई, नहीं खरीदी गई किसानों की, कभी नहीं खरीदी गई। अच्छा। अब 10 साल से लगातार MSP पे फसल खरीदी जा रही है, किसान इतने धरने प्रदर्शन अभी भी बैठे हैं, क्यों बॉर्डर पे बैठ के बोध कर रहे हैं? वो उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा होंगी। अच्छा। यहाँ जो किसान खेती करने वाला है वो तो धरने पे है नहीं। अच्छा, खेती करने वाला नहीं, खेती करने वाला। तो जो किसान आंदोलन पूरे देश ने देखा जी, वो भी आपको लगता है प्रायोजित? देखिए जी, वो तो आप उतनी ही बात बोलिएगा जितनी किसानों को बुरी ना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मीडिया वाले हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि प्रायोजित था या कैसे था, लेकिन उनमें से अगर रेशो उठा के देखोगे तो किसानों का रेशो बहुत कम था। अच्छा, कम था। किसान तो अपने खेतों में लगे हुए थे। ठीक है, सरकार ने इतना अच्छा काम किया, तो अब अचानक चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़े दावे घोषणाएं करने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, घोषणाएं नहीं है, जो फसलें अभी 3 दिन पहले घोषणा की है कि MSP पे जो खरीदी जाएंगी, जो नहीं MSP पे खरीदी जा रही थी उन्हीं की घोषणा हुई, बाकी तो MSP पे खरीदी जा रही थी। कहीं ना कहीं डर तो है? नहीं, डर तो हर एक को रहता है। मतलब बीजेपी को भी डर सता रहा है, चाहे बात युवाओं की अग्निवीर योजना की हो या किसानों की हो। मैडम, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सरकार से संतुष्ट वैसे कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन खासकर दक्षिणी हरियाणा के लिए बीजेपी सरकार अच्छी है। युवाओं को नौकरी देने के मामले में हो, चाहे नहरी पानी देने के मामले में हो, हर तरह से हरियाणा के लिए ठीक है। ठीक है, तो हुड्डा साहब बढ़िया नहीं है? नहीं, हुड्डा साहब नहीं, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो रोहतक और सोनीपत के अलावा कहीं देखा ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल, पूरा हरियाणा का पैसा रोहतक और सोनीपत में लगा था। तो भेदभाव हुआ इसलिए आप लोग कांग्रेस की विधायक होते हुए भी, यहाँ जो वाटर सप्लाई और नहर विभाग में भी जो नौकरी करने वाले आदमी होते थे वो रोहतक और सोनीपत के होते थे, यहाँ लोकल बंदा कोई नहीं था। ओके, तो आप देखिए लोकल जो व्यक्ति है महेंद्रगढ़ का, उसके दिल की बात है, कह रहे हैं कि जी कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, बीजेपी की अगर बात कर लें तो दक्षिण हरियाणा के लिए बिल्कुल ठीक पार्टी है। आगे बढ़ते और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस हरियाणा के चुनाव की, बने रहिए हमारे साथ। तो महेंद्रगढ़ में हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा है और इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ से आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। मेरे बाएं हाथ पे आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन प्लांट है, कोविड आपको याद होगा जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड फैला और उसके बाद ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते तमाम ऑक्सीजन की कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए थे। तो एक वैसा ही प्लांट हालांकि महेंद्रगढ़ में भी बनाया गया, लेकिन सिर्फ बना ही है, ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इसके बाहर आप देखेंगे एक ताला जड़ा हुआ है और ये प्लांट अभी तक चला ही नहीं है। पीछे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जिसमें कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है। हालांकि 2022 की डेडलाइन थी, 2022 में ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग नई बनकर तैयार होनी थी, वो भी नहीं हुई है और वो भी एक बड़ी समस्या लगातार महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए बनी हुई है, जिसको लेकर अक्सर वो परेशान रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो अस्पताल है महेंद्रगढ़ का सिविल हॉस्पिटल, जिसको लोग रेफरल हॉस्पिटल भी कहते हैं, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं है, मरीज को कुछ मिल नहीं रहा है, अंदर किसी तरीके का इलाज नहीं हो रहा है और अंदर किस तरीके की परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं
रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर वॉक्टर हैं, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं? दवाइयाँ खांसी की दवाई को खांसी की दवाई नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम तो होगी फिर। कोई दवाई आप कह रहे हैं खांसी की? दादाजी भीतर जी खांसी की दवाई आई थी, बाहर की ज़्यादा दवाई लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे 2 बजे छुट्टी होती है यहाँ, डॉक्टर चले जाते हैं, नर्स चले जाती है 1 बजे। अब इसी चीज़ वाले के पास गए, वो बोलता है कि भाई ये काम नहीं कर रही है मशीन ईसीजी की। हाँ, हाँ, छोटी सी चीज़ होती है ईसीजी। अच्छा, ईसीजी भी नहीं हो रहा है? भी नहीं हो रही है, घंटे पहले चले जाते हैं जो स्टाफ के होते हैं, घंटे पहले चले जाते हैं। अब रजिस्टर चेक कर लो जाके। तो मतलब डॉक्टर्स भी नहीं है? डॉक्टर्स तो हैं, तो मतलब लेकिन पहले चले जाते हैं ड्यूटी डॉक्टर, टाइम से पहले चले जाते हैं। अभी नर्स वगैरह हैं ये पहले चली गई सारी, जो भी अभी 3 नंबर में और 4 नंबर में एक्सरे वगैरह, वो 2-3 टेस्ट होते हैं। हाँ। वो बोले कल होंगे, अब आएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो वैसे एक्सरे वगैरह हो जाते हैं अस्पताल में? अस्पताल में एक्सरे तो होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी से पहले ही भाग जाते हैं, स्टाफ भी चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। रजिस्टर चेक करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर चलते हैं, कुछ और लोग भी होंगे अंदर। हम देखते हैं हॉस्पिटल में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बदइंतज़ामी है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल ग्राउंड जीरो से हम लगातार कर रहे हैं। और चुनाव यात्रा के ज़रिए अलग अलग तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको मालूम हो कि काम किस तरीके से हो रहा है और आमजन को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर हम खड़े हैं और अंदर कुछ पेशेंट्स हैं। हालाँकि यहाँ पर भी आप देखिए कि जो पैरामीटर्स, बॉडी पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोई ज़्यादा खास इक्विपमेंट्स नहीं है। सिर्फ एक स्टैंड है, जिस स्टैंड पर जो ड्रिप्स लगी हुई हैं पेशेंट्स को, वही स्टैंड यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम बात करें बीपी मॉनिटरिंग मशीन, जो इमरजेंसी वार्ड में कंटिन्यूसली होती ही है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, तो वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ऑर्डिनरी कमरा लग रहा है जिसमें सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाने तक का इंतज़ाम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ग्राउंड पर ये तस्वीर है, ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि इलाज किस तरीके से लोगों को मिलता होगा। तो इलाज विलाज होता है सही से यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल सही हो रहा है, सही होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, कोई दिक्कत। लोग कह रहे हैं दवाइयाँ भी नहीं रखते हैं ये? देखो जी, इनके पास आप यहीं आते हैं इलाज कराने के लिए? हम तो यहीं आते हैं जी। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं? कई साल हो गए। अच्छा, अब मतलब सिस्टम ठीक है आप कह रहे हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं? हाँ जी, बढ़िया सिस्टम है। आप यहाँ पर ही रहते हैं, यहीं पर ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए आते रहते हैं? क्या खामियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ तो क्या बताएं जी, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? अच्छा अच्छा, सबके अब फादर साहब के आए हैं अपने? ठीक है, तो ये अपने फादर साहब के साथ यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, उन दवाइयों को ये ले रहे हैं। बाहर चलते हैं और कुछ और तस्वीरें महेंद्रगढ़ से दिखाते हैं आपको। क्या परेशानी हो गई आपको? ऐसा नहीं, बस ये है। अच्छा, इसमें यहाँ पर इमरजेंसी में जाके पट्टी नहीं करवाई? कभी 20 नंबर में भेजते हैं, कभी ये यहाँ पे लिखते हैं, देखो कभी 25 करा है, कभी नंबर बताओ, कभी 4 नंबर, कभी क्यों सारा तो ले आए जी। अच्छा, तो थक हार के यहाँ बैठ गए आके? तो काम करके आया हम, मजदूर वहाँ दिहाड़ी वाला आदमी। तो ये तो बहुत छोटी सी चोट है, इस पे पट्टी लगाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लगा रहे हैं? ना जी, दर्द करता है बहुत, है भयंकर। वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर? कुछ नहीं भाई, पट्टी करानी है इसमें। अच्छा, और क्या कुछ कोई लिख रखा है? तो देखिए, ये चोट है हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे दर्द इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंदर जाता हूँ तो एक से दूसरे कमरे और दूसरे से तीसरे कमरे में भेज रहे हैं लगातार, पर्ची खाली है और डॉक्टर देख नहीं रहा है, पट्टी तक नहीं कर रहे हैं। और तो ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटी सी चीज़ है, उसके लिए भी अगर पेशेंट को इतनी देर तक वेट करना पड़ेगा और कोई देखने सुनने वाला होगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि आमजन को कितनी परेशानियां हो रही होंगी। और यहाँ पर इतनी छोटी सी प्रॉब्लम का भी अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो इस हॉस्पिटल का क्या काम है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको महेंद्रगढ़ से। हम सिविल अस्पताल में मिले थे, दवाई नहीं मिली वहाँ पे? हाँ? नहीं जी, नहीं मिली दवाई। आप तो कह रहे हैं मिलती थी। तो जी, आपके आने के बाद में पता चला वहाँ में। अच्छा, है नहीं, वहाँ है ही नहीं दवाई, तो अब यहाँ से खरीद रहे हैं? कितनी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं अब? तो जी, ये तो अलग से है, मतलब सिविल अस्पताल में दवाइयाँ वगैरह मिलती नहीं है? कितनी मिलती है? तो कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? अच्छा, ये सभी वहाँ से मिल गई इनको। अच्छा, बाकी नहीं मिली है? ऊपर वाले। तो ऐसे कितने पेशेंट होते हैं जो सरकारी पर्ची लेकर आते हैं अस्पताल की? काफ़ी पेशेंट होते हैं पूरे दिन में। अच्छा, लेकिन एक आध आइटम कुछ ऐसी होती है कि जो नहीं मिलती वहाँ, तो वो बाहर से प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हमें कोई पेशेंट वहीं पर ही बता रहे थे कि सिविल अस्पताल में खांसी की दवाई तक नहीं मिल रही है।
नहीं, ऐसा नहीं, कभी कोई ख़त्म हो जाए तो बात अलग है। अच्छा। नहीं मिलती है अंदर से। आप पूरी पैरवी कर रहे हैं? नहीं नहीं, पैरवी नहीं। हाँ। जो सच्चाई है वो इस पर्ची में भी है। अच्छा। सिर्फ एक दवाई 5 आइटम में से 4 आइटम दी हुई है और 1 आइटम नहीं है। आइटम नहीं है इसलिए यहाँ से ले। तो वैसे आप कह रहे हैं पेशेंट ले जाते हैं, लेकिन है, हाँ, बात बता रहे हैं। एक्चुअली बतानी चाहिए और हम भी एक्चुअल बात ही बताते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये लोग अभी हमें हॉस्पिटल में मिले थे और हमने तब इनसे बात भी की थी, ये दवाइयाँ ले रहे थे और उस क्यू में खड़े थे। तब हमने इनसे पूछा था कि क्या दवाइयाँ वगैरह अस्पताल से मिल जाते हैं, तब तो इन्होंने कहा कि हाँ मिल जाती हैं, खड़े होकर ये दवाई ले ही रहे थे और हम आगे बढ़ गए। बाई चांस अब हम इस बाज़ार में पहुँचे हैं तो देखा ही शख्स हमें यहाँ पर इस दुकान के बाहर देखे, तो हमने सोचा कि रोक के एक बार पूछ लेते हैं इनसे कि वहाँ जब दवाइयाँ ले रहे थे तो यहाँ पे आखिर क्यों इन्हें आना पड़ा। महेंद्रगढ़ बस अड्डे पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ से जानते हैं लोगों का चुनावी मूड और चुनावी मुद्दे। नमस्कार जी, क्या लगता है इस बार महेंद्रगढ़ के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? कहाँ से हैं आप? यही से है, महेंद्रगढ़ से। काम वाम करवा पाई बीजेपी या नहीं? अभी तो कोई काम हुआ नहीं है। काम वाम नहीं हुए? अभी घोषणा करी है मुख्यमंत्री ने कि 1,80,000 से कम आय वाले लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो क्या लगता है इलेक्शन में लाभ होगा इसका? होगा ही लाभ तो होगा। तो मतलब बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी? बना पाएगी। कह रहे हैं लाभ होगा जी, तीसरी बार बीजेपी सरकार बना पाएगी, ऐसा हो सकता है। राम राम। महेंद्रगढ़ में इस बार क्या लगता है विधायक कौन बनेगा? महेंद्रगढ़ का तो बेरो कौन दादी की, मैं बता दी हूँ। क्या लगता है? दादी कांग्रेस का। हाँ पक्का लो बेरो। किसी को भी टिकट दे? हाँ किसी को दे देता है, कांग्रेस मरेगी महेंद्रगढ़ से भी। अभी हुड्डा साहब ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। माली सरकार आवे 2,000 रुपए कांग्रेस वाली देख ले, हिसाब ला लो। जो धोखो हो गया ना राव दान साथी, वो मेरे पिस्ता हो रहे। अच्छा। हाँ पूरा खर्चा लगा रखा था हमने दादरी में, और मैं दादी से जीता ही गा लिया, फिर भी आपने महेंद्रगढ़ में उसकी मड़ी सी बेलू खोदी। वोट भी कोई 500 रुपया में बताओ, ऐसे नहीं 500 में वोट लेगी, कोई कम में बताओ कोई कम में बताओ। अच्छा क्या लगता है सरकार कांग्रेस की बनेगी प्रदेश? सरकार कांग्रेस की ऊपर से लेके चले तक भंग भी हो गया, ये भी आ जाएगा ना अपने हुड्डा बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, फिर या ऊपरली अंतरली सारी कांग्रेस की आओ। अच्छा। हाँ और कोई गलत नहीं बोलूँ मैं, अपनी दादरी देख ली मेरी रील बहुत बढ़िया है, रावदान का जिस दिन जलसा है उस दिन कूद देखी नाश देखी। हाँ कांग्रेस की सरकार ही आने जा रही है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आ रही है प्रदेश? अरेंज मैं तो कर्मचारी हूँ। आप कर्मचारी हैं, बस आप सुन सकते हैं बोल नहीं सकते। क्या लगता है महेंद्रगढ़ से विधायक किसको बनाएंगे इस बार? रावदान सिंह। मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों रावदान सिंह को विधायक बनाने की? फिर से हमारे फेवरेट है, वो अच्छे काम करते हैं। अभी लोकसभा में तो हरा दिया? नहीं, वो लोगों ने धोखा दे दिया, हारे नहीं। किसने? लोगों ने दिया है, और तो कोई कौन देगा, लोगों ने दिया है पहले। अभी क्या कर देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी रावदान सिंह आप कह रहे विधायक बन जाएंगे, तो ऐसा क्या कर देंगे? 4 बार तो यहाँ से विधायक रहे, कुछ करवा पाए महेंद्रगढ़ के? हाँ करवाए ना, अब करवाएंगे आगे और। अच्छा, तो रोजगार देंगे तो बीजेपी रोजगार दे रही है बिना खर्ची पर्ची के? पसंद नहीं साल से सरकार के पास रोजगार नहीं है, नहीं दे रही कौन से आप कहाँ बता रहे हो रोजगार? कुछ स्वरोजगार के तहत ये नौकरी काट रहे हैं लेकिन दे नहीं रही किसी को, ऐसा किसने बोला है नौकरी दे रही है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, हमने कहा युवाओं से पूछ लेते हैं। क्या पूछना चाहिए आपने, 5 साल में कोई नौकरी लगा आज के दिन सरकारी? जो सरकारी आज लगा है ना उसको ये नहीं पता कि मैं कल पक्का हूँ कि नहीं हूँ, आज लगने के बाद उसको ये नहीं लग रहा कि मैं लग रहा हूँ। तो ये अग्निवीर योजना के बारे में क्या ख्याल है? अगली जैसे सरकार पे डिपेंड करेगी, जैसे भाई अपने कांग्रेस आओगी तो उसके हिसाब से, जैसे और बीजेपी आएगी वो अपने हिसाब से, लेकिन सरकार पे मत जिस प्रकार रहता है ना वो अपने हिसाब से। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आनी चाहिए मेरा लक्षित। हाँ आएगी, अब क्यों कांग्रेस की नौकरी देगी क्या? नौकरी जैसे पिछले साल ये इसने नहीं दी, नौकरी देगी ऐसा थोड़ी है कि जैसे हर सरकार अपने बराबर रहेंगे ऐसा है। कांग्रेस वाले पैसे लेते हैं नौकरी देते हैं, पैसे वैसे है नौकरी देने के लिए? ऐसा किसने बोला था कि नौकरी के लिए पैसे देंगे? ये पूरा प्रचार करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बारे में, ऐसा नहीं है, सिस्टम नहीं है। खर्ची पर्ची नहीं था मतलब? ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार आएंगी तो सरकार बदलेंगी जब तो कुछ होगा, हर बार एक ही सरकार रहेगी तो कैसे पार पड़ेगी? जैसे हर बार एक आदमी आएगा तो मत पे बैठा रहेगा, उसको फिर टेंशन थोड़ी है नौकरी के लिए, वो हर साल वही वो बैठा रहेगा, फिर ऐसा थोड़ी है जैसे उसको पता है मंच मेरे पास है तो मेरे को कुछ भी ना करो, जब मूड है बदलाव का, बदलाव तो होगा, सरकार आएगी तो बदलाव भी होगा।
क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या बीजेपी बढ़िया है? कांग्रेस बढ़िया है जी। सब कह रहे कांग्रेस बढ़िया, सब कह रहे हैं कांग्रेस है। क्या क्या कह रहे हैं आप बताइए? कांग्रेस मैडम जी भर्ती भूर्ती कर रहे हैं मैडम जी, और ये कह रहे पैसे लेके करती है, पैसे सब लेते हैं। अभी तो बिना पैसे के बिना खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है मैडम, कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोगों की नौकरियां लगी है बिना पैसे दिए? नहीं, हम सब पैसे देते हैं। अच्छा, देता हैं। देता कौन नहीं है, हम खाते भी बीच में पैसे। तो लगता है कांग्रेस आएगी तो कुछ युवाओं का भला होगा? हाँ मैम भला होगा, अभी ये मोदी ने 4 साल ही कर दी मैम, सबका सबका नाश कर दिया, सब बच्चों का क्या फायदा है मैम इसमें, 4 साल के बाहर निकाल दिए इन्होंने, फिर क्या होगा मैम? मतलब अग्निवीर योजना से खफा है आप? हाँ, अग्निवीर योजना है मैम, सही नहीं है? सही नहीं है मैम, ये अग्निवीर तो बड़ी अच्छी है, युवा समझ नहीं पा रहे हैं। अग्निवीर को हटाया जाए मैम, साफ बात ये है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है इसे मैम, अग्निवीर से। अग्निवीर को हटाया जाना चाहिए, बच्चों का भविष्य इससे खराब हो रहा है, और कांग्रेस से ही हमें उम्मीद है कि वो किस तरीके से इसमें मदद करेगी और हटाएगी इन तमाम चीज़ों को। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, हालांकि लोग बोलने से थोड़ा सा बचते हैं और कैमरा देख कर ही पीछे चले जाते हैं। पीछे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम देखते हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या लगता है इस बार। आप लोकल हैं? नहीं लोकल नहीं, मैं तो बाहर का हूँ जी, मैं गाँव से आता हूँ। गाँव कहाँ? महेंद्रगढ़ में आता है? महेंद्रगढ़ में आता है। वैसे गाँव में काम वाम हुए? काम तो होते ही हैं, काम हुए भी हैं, बहुत हुए हैं। अभी आजकल गाँव की हर साइड से गलियाँ सब पक्की हैं। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था, जिधर भी जाओ सब गलियाँ पक्की हैं। तो हर घर में नल, हर नल में जल पहुँच रहा है? हाँ, पानी आ रहा है, बिजली भी अभी पूरी रहती है अभी। अच्छा। पहले बिजली इतना नहीं रहती थी, अब बिजली कोई कमी नहीं है। बीजेपी की सरकार बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया है जी, बहुत। अभी हरियाणा के चुनाव है, हाँ जी, अब पार्टी हो के तो दिल में धक धक हो रही है ना, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी फिर से? देखो जी सरकार तो अभी मैं क्या बता सकता हूँ किसकी बनी है, तो मैं भगवान हूँ नहीं, भगवान तो होने की जरूरत भी नहीं है उसके लिए। जो काम किए हैं उसके अनुसार तो यही सरकार बननी चाहिए, तीसरी बार आनी चाहिए। हाँ जी, जो काम कर रहे हैं। नायब सैनी बढ़िया है मुख्यमंत्री के? हाँ बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया है। नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे काम कर रहे हैं और इनकी सरकार फिर से आनी चाहिए, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए प्रदेश में? बीजेपी सरकार, जो काम किए हैं बीजेपी ने कुछ ऐसा कोई नहीं करता। आप ये देखो ना, सबसे पहले आयुष्मान योजना कोई सरकार लेकर आई, और उसके बाद जो गरीबों को मकान बन रहे हैं, आज से पहले मिले कभी? बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरी लग रही है, पहले तो पैसे चलते थे सब, और देन उसके बाद जितनी अभी आपने देखी 133 करोड़ का जो अभी बजट पास किया है, MSP पे सभी फसलों पर MSP दे दिया है, आज तक किस सरकार ने दिया? हुड्डा सरकार कहते हैं कि हमने। तो ये चुनावों वाली घोषणाएं हैं या वाकई में कुछ करना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं किया, इतना ही किसान हितैषी थे तो? आप ये देखिए, आप किसान हितैषी वाली बात कर रहे हैं, किसान हितैषी थे तभी उनसे बार बार बात भी की, तभी उनको बार बार बुलाया, अगर किसान हितैषी नहीं होते तो बात नहीं होती, वार्ता नहीं होती। वार्ता हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि पॉजिटिव उसमें, ताकि पॉजिटिव वे में बात हो और कोई हल निकले, आज हल निकला है। 700 से ज़्यादा किसानों की ज़िंदगी चली गई इस आंदोलन में, जिम्मेदार कौन? आप एक बात मुझे जवाब दीजिए, अब जैसे बॉर्डर पे कोई जवान मरता है तो बीजेपी जिम्मेदार? कोई शहीद होता है बीजेपी जिम्मेदार, किसान मरता है तो बीजेपी जिम्मेदार, कोई अगर बीमार होकर मर जाता है तो भी बीजेपी, खड्डा हो गया सड़क में बीजेपी, आप हर चीज़ का बीजेपी को थोड़ी ब्लेम दे सकते हो? आप सोच फैक्ट्स देखिए ना कि क्या पहले था और अब क्या हो गया, फैक्ट्स में देखिए, कह रहे फैक्ट्स देखिए, और फैक्ट्स यही बता रहे हैं कि हर चीज़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी काम कर रही है और बढ़िया काम कर रही है, जो बीजेपी ने किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ से दिखाते हैं, इस चुनाव यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। तो महेंद्रगढ़ के नांगल सिरोही गांव में हम पहुंच चुके हैं और अब यहां से लोगों से बात करते हैं ग्राउंड पे, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, गांव में किस तरीके का काम वाम हुआ है और इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके पड़ताल करेंगे। और यहां पे हालांकि कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उस तरफ चलेंगे। नमस्कार जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव सर पे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं? बीजेपी के हैं मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो सब हमें पता नहीं, बाकी वोट ज्यादा मतलब बीजेपी का देखिए पीछा नहीं भी, मतलब बीजेपी कोई कांग्रेस बताओ ठीक है जी, लेकिन शायद हमारे हिसाब से तो
वहाँ क्या दिक्कत। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हिसाब से सारा है बढ़िया से। दान सिंह ने काम वाम किए कुछ है? दान सिंह ने कुछ काम वाम करवाए? करवाया था। आपको कौन अच्छा लगता है, रामविलास शर्मा या राव दान सिंह? तो सारा बढ़िया लग गए। अच्छा तो क्या लगता है किसकी सरकार देखना चाहते हैं फिर से? भाई मारे लिए सारी सरकार को आदमी समझो। तो ये ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए ये गांव है, सड़कों की अगर बात करें, इस गांव की मेन सड़क है ठीक ठाक बनी हुई है, और गांव में तो हालांकि काम वाम जो है वो ग्राउंड स्तर पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रोड की भी हम बात करें तो पूरी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं चाय की टपरी पर। नमस्कार जी, क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? मन्ना साहब ना बताओ। गाँव से ही है? नांगल सिरोही से। क्या लगता है काम वाम हुए आपके गाँव में? हाँ काम हो रहे हैं। हो रहे तो बीजेपी की सरकार ने ठीक ठाक काम किया है? बढ़िया काम करेगा। बढ़िया काम किया है, ठीक है कह रहे हैं बढ़िया काम किया। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? मिली जुली। मिली जुली, मिली जुली। फिर से? क्यों? स्पष्ट किसी का नहीं, स्पष्ट नहीं किसी का, किसी का नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? लग गई से क्लियर इसे या तो मिली जुली आएगी? मिली जुली। अच्छा तो मतलब क्या लगता है, कांग्रेस बना लेगी या बीजेपी बना लेगी फिर से? ये कोई क्लियर नहीं है। अच्छा, लेकिन दक्षिण हरियाणा में हम बात करें तो खास तौर पे यहाँ पर आप कह रहे हैं बिल्कुल 50-50 दक्षिण यहाँ, दक्षिण हरियाणा बीजेपी। बीजेपी क्यों बढ़िया लगती है दक्षिण हरियाणा के लिए? बीजेपी ने क्या किया है दक्षिणी हरियाणा के लिए? सॉरी, दक्षिणी हरियाणा के लिए बीजेपी नहीं करी उसे। पहले के थो पहले के थो पैणी थो नर पर्ची खर्ची को काम है, अगर तो ये क्लियर लगन लग रहे हैं, लग जो कोई कर पत्ती कोई खर्ची नहीं, तो ये बड़ा फायदा हुआ है। तो दक्षिण हरियाणा के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ने ही किया है, आपको भी ऐसा लगता है काम वाम? नहीं जी, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो। अच्छा। हाँ अच्छा, ये जब लोग कहते हैं कि खर्ची पर्ची कांग्रेस के टाइम में, ये सुनने में आपको कैसा लगता है डायलॉग? ये तो गलत लगता है जी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम में होती थी खर्ची पर्ची, चलती थी? तो चलती तो अभी भी है, अभी भी चलती है। अभी तो पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं, कह रहे ना खर्ची है ना पर्ची है, सब कुछ है जी। अच्छा। पहले भी ऐसा ही चलता था, वो बीच में जो बिचौला होता था वो जेब में डालता था। अच्छा, तो अभी बिचौले हैं? हाँ बिल्कुल है, अभी भी है, लेने वाले तो अभी भी है, वही बात है जेब में डाल लेते हैं। ठीक है। हाँ, और लगे होगा जी छोरे, क्या कह रहे हैं आप, पैसे दे के लगा है? एक महाराज राव साहब के लड़के लगे हुए, कम से कम तो 8 लाख रुपया कैश दिया है। अच्छा, 8 लाख रुपए कैश दिए? किसको दिया? जो लग चल रहा है अभी, क्या बीजेपी की, बीजेपी की सरकार में लगा है? और क्या, पैसे देके? और क्या, तो आप तो शिकायत कीजिए सीएम साहब को, पता चलेगा तो तुरंत एक्शन लेंगे। क्यों मन की कर रहे हैं? और मेरे साहब आर्मी में लगे, क्या हम लगे सर आर्मी में लगे? अच्छा, क्या लगता है? अब नहीं है ये काम, अब नहीं है, ये सब झूठी बात है, अब नहीं है, 1% भी नहीं, ये सब बकवास कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई कोई अब उनके साथ कुछ होगा ऐसा, आपकी अपनी राय, उनकी अपनी राय। हाँ सही बात है। हाँ हाँ, कह रहे हैं तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है नहीं है इस तरीके की? नहीं, ऐसी नहीं है। सबसे अच्छा बीजेपी के लिए यही है कि मतलब खर्ची पर्ची बंद हो गई? नहीं, वैसे तो एकदम अब खर्चे पर्चे नहीं है, जब तो बीच में जब फालतू बकवास करते हैं वो तो करते ही हैं। एकदम सही काम है बीजेपी का राज, बीजेपी बढ़िया है दक्षिण हरियाणा के लिए, सही है बीजेपी या कांग्रेस? हाँ। से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, बीजेपी ठीक है, बीजेपी ठीक। तो राव इंद्रजीत का फैक्टर है? है ना, है। तो अगर राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आ गए, अगर दोबारा कांग्रेस में चले जाते हैं? वो तो देखिए, वो तो अपना समाज का हिसाब है ना, समाज के हिसाब वैसा ही हो जाता है। अच्छा, जैसे कि हीरवाल है तो वो वैसे हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ठीक है। कांग्रेस भी कह रही है सरकार बना लेंगे इस बार, बहुत ही ज्यादा आत्म अति उत्साहित है। उसमें क्या अपने बीजेपी का अच्छा है, वो देखो जो आप सरकार है वो भी बनाने के लिए तैयार है, पर वो नहीं बीजेपी की, लोग बाग वोट नहीं देंगे आपके? नहीं, बीजेपी का। क्या टक्कर देखते हैं? टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? जो बाकी पार्टियां हैं INLD BSP का गठबंधन है और ये बीजेपी का ही टक्कर रहता है यहाँ पे। हाँ, तो ये JJP वाले जो हैं कुछ कर पाएंगे? नहीं, INLD BSP नहीं, आम आदमी पार्टी
ये कुछ नहीं है, ये तो बस किसी का वोट तोड़ना और कुछ अच्छा, वोट काटू। हाँ बस वोट तोड़ना किसी तो मतलब लोग समझ गए कि वोट काटू है। हाँ हाँ सब समझते हैं आजकल, वो अब जनता इतनी भोली भी नहीं रही जो आप सोच रहे हैं। सब समझते हैं। हाँ सब समझते हैं। तो अभी इतने सारे जो बीजेपी वादे कर रही है इलेक्शन से ठीक पहले, तो जनता इसको लेके क्या समझ रही है कि ये इलेक्शन के वादे हैं, इलेक्शन का लॉलीपॉप है, या वाकई में लोगों के लिए काम करना चाहती है इसलिए फैसले हो रहे हैं? बीजेपी, हम बीजेपी तो काम भी करती है ना, जैसे इलेक्शन है तो कह रहे हैं 50,000 भर्तियां और करेंगे, किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, अग्निवीर में नाराजगियां थी तो उसको लेके रिजर्वेशन और बाकी तरीके के लाभ की बात कर रहे हैं। बीजेपी है ना, ये काम शुरू गुंडा कर दी तो मिट्टी। अच्छा हम तो एक बात जानते हैं, बीजेपी का राज आने के बाद ही ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी? भयंकर था। कौन करता था गुंडागर्दी? गुंडागर्दी ये करते थे। अच्छा। कोई भी हो जो तो अभी भी तो आप देखिए अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हरियाणा में, आए दिन लूटपाट हत्याएं। वो बात नहीं है हमारे। अच्छा। तो यहाँ पे रात को निकलना ही मुश्किल हो जाता था। अच्छा तो अभी ठीक है? अब एकदम राम राज्य है। राम राज्य है? हाँ हाँ राम राज्य है जी। क्या महेंद्रगढ़ में? हाँ जी राम राज्य, पूरा राम राज्य है। कहें जी राम राज्य है बीजेपी के आने से, और दक्षिण हरियाणा के लिए तो जी बीजेपी ही बहुत बढ़िया है। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं और बीजेपी लगातार जो है लोगों के लिए काम कर रही है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से हमने महेंद्रगढ़ में आपको अलग अलग लोगों से मिलवाया, उनकी बात सुनवाई, और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ अभी से ही उनके दिल में बातें हैं, या क्या चुनाव को, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने बात की। और ये तो आप साफ साफ समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है। तमाम जो दूसरे दल हैं उनको वोटर्स खुद ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये वोट काटू हैं, इनका कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा, और ये ग्राउंड पर कुछ करने नहीं वाले हैं। टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और इसके अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलने वाला। होगा क्या, आप किसकी सरकार बनाते हैं, किसको विधायक बनाते हैं, ये फैसला तो आप ही का है, लेकिन लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको अलग अलग लोगों से बात करवा के इस पूरे चुनाव की एक ऐसी बारीक जानकारी, एक ऐसा सटीक विश्लेषण देने का काम कर रहे हैं जिससे कि आपको चुनने में थोड़ी आसानी हो जाए और आप जान पाएं कि लोगों का मूड क्या है। फिलहाल हमारे साथ आज महेंद्रगढ़ के सफर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, हमारी यात्रा लगातार जारी रहेगी, जल्दी ही पहुंचेंगे आपके भी हल्के में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।